अस्सलाम वालेकुम। तो क्या है आप सबका, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। भाई आपका एकदम फिट फाट जबरदस्त। तो यार आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज आपका भाई एक्सप्लोर करने जा रहा है अयूबिया का पाइपलाइन ट्रैक, और वो ट्रैक अयूबिया से स्टार्ट होता है और डोंगा गली जाके खत्म होता है। उस ट्रैक को हम पैदल वॉक करके कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत बड़ा ट्रैक है, काफी पहाड़ों से वो गुजरता है। अरे हाँ भाई हाँ, तो मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है। अभी मैं आपको लोकेशन में भी बताता हूँ ये कितना बड़ा ट्रैक है। अभी आपको मैं इस ट्रैक का गूगल मैप में भी दिखाता हूँ कितना बड़ा ये ट्रैक है। ये अयूबिया से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, यहाँ से हम मोटर टनल में इंटर होके ये आप देख सकते हैं इन पहाड़ों को कवर करते हुए सीधा डोंगा गली पहुँचेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लगने वाला है। सफ़र में निकलने से पहले मैं आपको आज के टीम मेट का इंट्रोडक्शन कराऊँ। तो आज मेरे साथ जाने वाले हैं जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फहद भाई साहब। रुको जरा, सब्र करो। उसके साथ जाने वाले जी हमारे साइंटिस्ट नादर भाई। नादर भाई ये क्या लगा हुआ है इधर? वाओ ब्यूटीफुल। चलो भाई अयूबिया चलते हैं, भागो अयूबिया की तरफ भागो। चलो भाई अयूबिया चलते हैं। ओ भाई ये क्या है? हाँ तो भाई लोग, अभी हम लोग यहाँ पे रस्ते में रुके और हमारे प्यारे से नादर भाई का एक यहाँ पे रिश्तेदार नजर आया। नादर भाई, समी भाई का। ओए, ओए, कोई माशाल्लाह बिल्कुल सेम। ये देखें इस बंदे में और इस बंदे में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखें और इसे देखें, बिल्कुल सेम है दोनों। यार इस टाइम अभी हम मोटर टनल से अंदर इंटर होने वाले हैं। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे मोटर टनल पे इंटर हो चुके हैं, यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। और ये टनल इस तरह की है कुछ। नादर भाई और फहद भाई भी टनल के अंदर हैं। इतनी ज्यादा इसकी हाइट नहीं है, आपके भाई की हाइट कम है लेकिन ठीक है, इतनी ज्यादा हाइट नहीं है इसकी। इस टाइम अभी हमने मोटर टनल को यहाँ से पार कर लिया और थोड़ी देर बाद वो ट्रैक शुरू हो जाएगा डोंगा गली वाला, यहाँ से सामने से जो कि यूबिया से सीधा डोंगा गली जाता है। काफी टाइम हमारा लगेगा। और साथ हमारे जी नादर भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोगों की यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ट्रैक में हम लोग इंटर हो चुके हैं। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हमने काफी जंगल से ये सामने एक पहाड़ है उसे कवर करते हुए डोंगा गली पहुंचना है। बहुत ज्यादा हमारा टाइम लगने वाला है। नादर भाई तैयार रहना इस चीज के लिए, फुल दिल गुर्दा रखना पड़ेगा। फहद भाई तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे। सारा इसी तरह का ट्रैक है, बिल्कुल जंगलों से गुजरता हुआ, इधर उधर सारे दरख्त, और यहाँ पे जंगली दरिंदों का भी ज़्यादा खतरा रहता है। रुको 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 रुको, यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, सबसे पहले ये आर्मी के जो साइन वगैरह है ना, उस वक्त की आर्मी के ब्रिटिश दौर की, ये यहाँ पे पत्थर के ऊपर यहाँ पे लोगो टाइप बने हुए हैं। ये आप चेक करें, ये एक लोगो बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा बना हुआ है, यहाँ पे तीसरा बना हुआ है। मतलब ये उस टाइम की आर्मी के ये कोई साइन है। बहरहाल हमें क्या, हमें तो अपना ट्रैक कम्प्लीट करना है। और अभी मैं गूगल भी चेक करता हूँ क्योंकि हमारा बहुत टाइम लग गया यार। ये सामने जितने भी पहाड़ हैं इन पहाड़ों से ये ट्रैक गुजरता है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इतनी ताज़ा हवा और ठंडा ठंडा मौसम है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे साफ सुथरी नेचर, मतलब कोई भी ट्रैफिक का किसी किस्म की भी यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। तो क्या नाचो भाई? यार अभी हम लोग इसी ट्रैक से गुजर रहे थे लेकिन सामने यहाँ से हमें व्यू नजर आया नीचे। ओए खोए खोए, मैं कहता हूँ इतना कमाल है ना, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ व्यू ट्रैक से थोड़ा बाहर जाके। खाए 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 खाए। Beautiful! तो ये सारा केपीके है, ये दरमियान में आपको जो छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है पंजाब, और इसके पीछे कश्मीर है। कितनी प्यारी जगह है माशाल्लाह यार, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। और सारा जंगल है अयूबिया नेशनल पार्क। आए खाए खाए खाए।
यार अयूबिया नेशनल पार्क की क्या ब्यूटी है अल्लाह की कसम, बहुत मजे की जगह है वो, सुकून इतना प्यारी जगह। सामने देखें पीक, पता नहीं ये कौन सी पीक है। और अभी हम तकरीबन 20-25 मिनट बाद डोंगा गली पहुंचेंगे, फिर डोंगा गली से वापस हमने आना है अयूबिया खानसपुर, यहाँ से बाइक लेके गांव की तरफ जाना है, बहुत टाइम लगने वाला है हमारा। अब जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो यार मुकाओ, सब्सक्राइब करो नहीं तो मैं इस बंदे को मार दूंगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ से नीचे अयूबिया का तकरीबन सारा जंगल नजर आ रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये आप चेक करें, ये सारा अयूबिया नेशनल पार्क है, सारा जंगल है। नादर भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, मज़ा आ रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा, बहुत मज़ा। फहद भाई तो इतने जोश में के छलांग मारने वाले यहाँ से नीचे। दरख्त कह रहा है यार एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अप टू 4 पीपल, डोंट यू थिंक आई एम वर्थ सेविंग। समझ आई है? नहीं समझ आई है, शर्म करो। अभी ट्रैक से गुजरते हुए फहद भाई ने मुझे एक चैलेंज दिया, फहद भाई आप खुद बताएं क्या चैलेंज है। ये चैलेंज है कि यहाँ से उधर ऊपर जाना है टॉप तक जी। तो मैं तो जाऊंगा, तो मैं भी जाऊंगा, पहले मैं जाता हूँ फिर। ठीक है जाओ। फहद भाई गिर गया तो चैनल को संभाल लेना आपने, ठीक है। ओए 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 चक्कर नहीं, यहाँ से ऊपर फहद भाई नहीं जाने होगा। नीचे रह गए, मैं यहाँ से ऊपर आ गया। सब्सक्राइब करो मुकाओ यार, ये सब्सक्राइब नहीं करते यार, मुझे गुस्सा आ जाता है इन लोगों पे। मार दो इन सबको, हैं? सबको मार दो आप। तो यार अभी बड़ी मुश्किल से हमने 70% ट्रैक कवर किया और हालत इतनी खराब हो गई है ना। नादर भाई बहुत ज़्यादा थक गए, फहद भाई आप भी मेरा ख्याल है बहुत थक गए ना। थक गए यार। और अभी यहाँ से सामने फाइनली हमें डोंगा गली नज़र आना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे डोंगा गली, और अभी हम इस पॉइंट से अंदर जाके पहाड़ से अंदर हो के सीधा ये सामने ट्रैक गुजर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सीधा डोंगा गली पहुँचेंगे। उठो उठो टाइम कम है, उठो चलो चलो। जनता माफ़ नहीं करेगी। यार काफ़ी देर चलने के बाद फाइनली हम लोग डोंगा गली में इंटर हो चुके हैं, यहाँ से हम डोंगा गली में इंटर हुए हैं। अभी भी हमें पता नहीं है डोंगा गली किधर है, मेरा ख्याल है यहाँ से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि पिछले दिनों मेरी एक सीरीज़ आई थी डोंगा गली की, वहाँ से हम मुशपुरी टॉप की तरफ गए थे, और यही मेरा ख्याल है रास्ता ऊपर मुशपुरी टॉप की तरफ जाता है, जहाँ पर आपको बादल नज़र आ रहे हैं यही टॉप है इधर ऊपर मुशपुरी टॉप। बहरहाल अभी बस थोड़ा सा आगे जाते हैं डोंगा गली से होकर, फिर वापस अयूबिया की तरफ चलते हैं। टाइम अभी हो रहा है शाम के 4:58, काफ़ी टाइम हो रहा है। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो यार फाइनली अभी हम लोग डोंगा गली पहुंचे हैं, ये सामने डोंगा गली है, यहाँ पे तकरीबन आबादी मार्केट वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि 5 बजे ट्रैक बंद हो जाता है और 5:01 हो गया, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो अभी हम सीधा भाग के वापस पहुँचे हैं यूबिया। तकरीबन 2 घंटे और लगने वाले, घंटा लगेगा मेरा ख्याल है ना, या आधा घंटा, घंटा लग जाएगा तकरीबन। अभी हम दोबारा ट्रैक के अंदर इंटर होने वाले हैं यहाँ से। चलो जी आप लोग किधर जा रहे हो, जल्दी आओ मेरा टाइम कम है। हाँ भाई भागते हैं मेरा ख्याल, जल्दी करें भागते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। चलें ठीक। तो यार यहाँ पे सामने मैंने जाते हुए आपको नहीं दिखाया था, अंग्रेज़ों के मिलिट्री के जितने भी लोगोज थे ना वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी मैं आपको ये लोगो भी दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो बैजेस हैं मिलिट्री के और हिस्टोरिकल रिसोर्सेज ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क के। ये देखें आप, ये चेक करें इस तरह के, ये मेरा ख्याल है इस दौर के बनाए गए, लेकिन उस दौर के यहाँ पे निशानी अभी भी मौजूद है थोड़ी थोड़ी। ये देखें ये मेरा शेर, ये चेक करें, ये मेरा शेर।
ये चेक करें ऊपर, इस तरह वो उधर भी बने हुए। किधर है लोगों को दिखाओ मेरा शेर। तुम्हारा शेर है? नहीं, मेरा शेर। तो यार काफ़ी देर बाद अभी हम लोग टनल में पहुँचे हैं और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई यार। यहाँ से वापस ढूंढा गली जाके वहाँ से वापस आए हम लोग। हालत तो इतनी ख़राब हो गई है ना, दुबई हो गई दुबई। तो यार अभी टाइम तकरीबन हो गया 6:07 हो गए और अभी हम इस टनल से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से बाइक स्टार्ट करके गांव की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ट्रैक को कंप्लीट करके वापस अपने बाइक पे आ चुके हैं और गूगल के मुताबिक ये जो रास्ता हमें नज़र आ रहा है ये 57 मिनट का है। वह है ज़्यादा लेकिन गूगल 57 मिनट का दिखा रहा है। हम लोग जाएंगे यहाँ से खानसपुर से नीचे जाएंगे, यहाँ से सीधा अपने गांव जाएंगे। ये रास्ता हमें नज़दीक लग रहा है तो अभी हम यहाँ से सफ़र अपना करते हैं कंटिन्यू। बिस्मिल्लाह पढ़ के साथ भाई चलें। हर हालत इतनी टाइट हो गई है, ऊपर से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, मज़ा ख़राब हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने गांव की तरफ। तो यार अभी तकरीबन मगरिब के अजान हो चुकी है, मगरिब की नमाज पढ़ ली है और इस टाइम अभी हम खानसपुर से जा रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं यहाँ से मैंने घर जाना है, घर जाके वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करनी है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। टाइम अभी हो रहा है 6:46 हो रहे हैं और अभी हमने काफी नीचे जाना है, बहुत नीचे जाना है। अभी फुल ऊंचाई में पता नहीं रहा, मुझे वीडियो की टेंशन हो रही है कब जाके अपलोड करूँगा। हाँ भाई 6:46 थे और हम लोग खानसपुर थे और अभी 8:52 हो चुके और मैं घर पहुँचे और मैंने ऑलमोस्ट वीडियो भी एडिट कर ली और अभी अपलोड करनी है। तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक शेयर सब कुछ ठोकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टाटा।